राजा के योद्धा के रूप में मैंने सिर्फ अभी अपना नाम कमाया था, कालीनाग। मुझे राजा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन मुझे थोड़े अलग ही काम के लिए चुना गया। मुझे भेजा था धरती के स्वर्ग शैंग्रीला को ढूंढने के लिए। आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है? इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसमें रहना। मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा। मैंने बहुत कुछ देखा, किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। लेकिन मैं मूर्ख था जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है। देखा था वो एक दूसरी दुनिया से था, एक रक्षक। एक भीम के जानवर के दांतों से अटका। शेर अपने घर की रक्षा कर रहा था, लेकिन किससे? शैतानों ने शैंग्रीला पर आक्रमण किया, इस धरती के नहीं, साफ मन के नहीं।
कोई खुद या कोई चीज अपने लिए शंग्रीला को चुराना चाहती थी। जाने के लिए नहीं बल्कि एक सहयोगी पाने के लिए। मेरे जैसा किरती खोज करता इस पुराने भूमि की खोज कर रहा है, फिर भी यहां वो शंग्रीला के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था, जैसे स्वर्ग के नशे में चूर हो। प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूं, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हों। वो इतने बड़े थे। आक्रमण। Thank you.
अजीब शक्ति का एहसास हुआ। ये माला राजा द्वारा किरती योद्धाओं को दिया गया एक बड़ा सम्मान था। मैंने ये माला किरत में उसके परिवार को वापस लौटाने की कसम खाई।
मैं बच्चा था तो मेरे पिता मुझे शंग्रीला की घंटियों की कहानियां सुनाया करते थे। उनकी ध्वनियां धरती से बुराइयों को दूर करती थी। वो मुझे चेतावनी देते थे, तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की ध्वनियां तुम्हें ढूंढ लेंगी। मैं उनसे बहुत डर जाता था। इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था। In holding a finger. Right, and then you put it up in a frame here and then curled up on the floor for a kit. Yeah. You want to try it? You're speaking a weird language. What happened? I don't know, but it was fucking weird. Was that here when you moved in? Oh, this? I was told that it's a Gale family heirloom, been passed down for generations. Did I not mention that earlier? No, you didn't. Ask for the show version. Right, and we asked you to grab some of that wacky back here, eh? Did you find any? I was a little busy. Right, but that's good. Yeah, no worries. Yeah, next time. But if you do come across that fanka, keep us in mind. Right, well, we're off. We'll send someone back here to clean up the rest of our shit, all right? All right. Toodles. I could see through the walls. What? Marks to that? You just heard his footstep. No. I'm deaf in one ear. Remember Sao Paulo? All right, the trombone player. Yeah, the one-armed trombone player. But now that AJ's here, he can settle our little disagreement. Indeed he can. But he's our guest, so let us be cordial. Ah, this one's a lovely juggling. Mm-hmm. We call it ocular spliff. As you see through the walls of perception. You'll need a topper with that one, mate.